फाइनल कंक्लूड कर देते हैं। देखो फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि अगर एक फिक्स्ड बीम है, अच्छे से समझना छोड़ू, बहुत अच्छे से, एक फिक्स्ड बीम है और यहाँ पे पॉइंट लोड P लग रहा है, अगर इधर का डिस्टेंस A है और इधर का जो डिस्टेंस है वो B है, B डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मोमेंट आएगा MA और यहाँ पे मोमेंट आएगा MB। देखो MA का जो वैल्यू होगा, अच्छे से समझना सब, माइनस पी। देखो इधर MA के तरफ अपोजिट में कौन सा है, B, B है ना, तो लिखोगे B का स्क्वायर इंटू A बाई L का स्क्वायर, बस मोमेंट आ गया। MB निकालना है ना छोटू, तो MB निकालना है, इसके अपोजिट में क्या है, A, तो अपोजिट वाला का स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर बी बाई एल का स्क्वायर, बस इतना ही है। आ गया समझ में? चलो तो हो गया यहाँ पे हम लोग का टॉपिक ये कंप्लीट। तीन छोटा छोटा टॉपिक था, यानी UDL, पॉइंट लोड सेंट्रल और पॉइंट लोड इसेंट्रिक, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो मान लो कि एक फिक्स्ड बीम है और इस फिक्स्ड बीम में UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P, और जिसका ये डिस्टेंस है A और इधर का डिस्टेंस है B, और इसका जो इंटेंसिटी है वो है W किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ है L। बताओ यहाँ पे मोमेंट MA का वैल्यू कितना होगा और यहाँ पे MB का वैल्यू कितना होगा। लिखो तो अपने अपने कॉपी में और पॉज करके वीडियो, उसके बाद फाइनल मिला लेना कि MA का जो वैल्यू होगा सर, एक नेगेटिव साइन आगे रहेगा, UDL के कारण हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 12 प्लस इधर जो होगा वो P होगा और उधर का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर A बाई एल का स्क्वायर, और जब MB निकालेंगे तो MB का जो वैल्यू होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 12 डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 12 प्लस पी बी स्क्वायर ए सॉरी पी ए स्क्वायर, क्योंकि इधर निकाल रहे हैं तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पी ए स्क्वायर बी बाई एल का स्क्वायर, दोनों में साइन नेगेटिव, ये फाइनल आंसर हो गया। चलो समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा हम होमवर्क दे देते हैं जो आप करोगे अपने घर पे, ठीक है, बैठ के आराम से एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं। पहले इसको लिखना है वो लिख लो पहले, अगर किसी का छूट गया है मिलाना है मिला लो, आगे बढ़ जाते हैं। होमवर्क है जिसका अगले क्लास में सॉल्यूशन करवा देंगे। एक फिक्स्ड बीम है या बन जाएगा तो बढ़िया है तुम लोगों से, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और इसका जो लेंथ है ये 3 मीटर है, 3 मीटर लेंथ है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, और ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और ये जो लेंथ है वो 2 मीटर है। आपको निकालना है फाइंड सपोर्ट मोमेंट या फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट यानी MA और MB का वैल्यू निकालना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।